हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? हैप्पी नवरात्रि। आजकल हैप्पी नवरात्रि का समय चल रहा है, तो उसकी डाइट में हमें कुछ बनना ही चाहिए। दिन भर का रूटीन रहता है, तो हम पहले बना रहे साबूदाने की खीर, जो कि मैंने साबूदाना भिगो दिया था। और ये उबाल आने पर मैं साबूदाना इसमें डाल देती हूँ, इसको एक बार चला देती हूँ। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं चलाने के बाद। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो मैं इसको फिर से चलाते रहना चाहिए बराबर में, ताकि नीचे ना लगे। अब इसमें मेवे डाल दिए हैं, आप जो चाहो वो मेवे डालो। एक उबाल आ जाने पे हम इसको फिर से एक बार चला दिया था। अब इसमें हम डाल देते हैं गुड़ और इलायची पाउडर। हमने इलायची पाउडर डाल दिया, इसको भी चला देते हैं। और साथ ही साथ इसमें मैंने केसर भी डाल दिया थोड़ा सा, ताकि इसमें रंग भी डालेगा और स्वाद भी बढ़ जाता है। अब ये ठंडा होने के बाद ये हमारा रेडी हो गया एकदम अच्छे से साबूदाने की खीर। ये देखो, अब हम चलते हैं अपना आलू के अप्पे बनाते हैं। तो हमने पहले साबूदाना भून लिया है, क्योंकि कच्चा साबूदाने का मैंने बनाया है। इसको अच्छे से भून लेते हैं। अब ये देखो हमारा भून गया है। अब इसको मुझे पीस लेना है, इसको चलते हैं मिक्सर में पीस लेते हैं। ये आटा की तैयार हो गया हमारा। अब कच्चे आलू लेके इसमें मिर्चा धनिया डाल के पीस लेते हैं। इसका पेस्ट रेडी हो गया। इसमें काली मिर्च, नमक और जीरा पाउडर डाल के भून लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अब चलते हैं अपना अप्पे तैयार कर लेते हैं। ये ऐसे अप्पे वाले सांचे में मैंने सारा अप्पे बना लेते हैं। ये देखो कितनी क्रिस्पी अच्छे से रेडी हो गया हमारा अप्पे। ये देखो हमारा अप्पे तैयार हो गया। अब चलते दिखाते हैं थाली, जिसमें मैंने मेवे फ्रूट्स खीर और आलू के अप्पे चटनी सारा रेडी हो गया। दिन भर का रूटीन अगर एक साथ खाओ ना तो बहुत अच्छा लगेगा, और आप हेल्दी भी रहोगे, आपको वीकनेस भी नहीं होगी। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।